नमस्ते दोस्तों, आज कुछ दिनों बाद हमने फिर से हाजिर हो रहे हैं आप लोगों के साथ। आज उसी विषय को लेकर चलेंगे हम लोग जो क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, शादी, नो मैरिज, डायवोर्स इत्यादि के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। हमने पिछले सेशंस में भी दो तीन कुंडलियों का चर्चा किए थे और हम लोग समझे थे किस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शादी में जो कॉम्बिनेशन होता है किस प्रकार देखा जाता है, नो शादी का कॉम्बिनेशन, जो नो मैरिज कॉम्बिनेशन किस प्रकार देखा जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जान ही चुके हैं, फिर भी मैं हर बार आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा कि आपको हमारे वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाए, आपको नोट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमने शादी कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बोला था, दूसरा घर, सातवां घर और ग्यारहवां घर। दूसरा हमारे परिवार को बताता, सातवां हमारे पार्टनर को बताता और ग्यारहवां हमारे लाभ को बताता, हमारे डिजायर को बताता। उसका एंटी कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, पहला, छठा और दसवां। पहला घर सेल्फ बताता है, छठा घर सातवां का बारहवां, मतलब हमने आपको रूल्स बताए थे कि किसी भी घर का बारहवां घर उस घर की हानि करता है। उसी प्रकार ग्यारहवां का बारहवां दसवां घर, मतलब नो मैरिज या आफ्टर मैरिज डायवोर्स या अलगाव का जो कॉम्बिनेशन है, पहला घर, छठा घर और दसवां घर। साथ में आठ और बारह के बारे में बताया था मैंने कि आठ और बारह यदि दो सात ग्यारह के साथ मिल जाए तो उसका फल देंगे, अर्थात धूमधाम से शादी, डौरी, खर्चा, एक्सपेंडिचर, शादी ब्याह में जो खर्चे करते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं लाखों लाख रुपए खर्चे करते हैं, वही यदि आठ बारह एक छह दस के साथ मिल जाए तो वो एक छह दस का फल देंगे। अर्थात यदि आपकी शादी हो गई तो डायवोर्स में फल आपको देंगे। आठवां घर क्या हो गया आपको, आठवां घर हमारे हो गया इंसल्ट का। और आपको बारहवां घर क्या हो गया, बारहवां घर हो गया जो भी एक्सपेंडिचर आपने शादी में खर्चा किए थे वो सारा सूद समेत आपको वापस लौटाना पड़ेगा, मान सम्मान हो तो जाएगा ही जाएगा। यही आठ और बारह का कॉम्बिनेशन होता, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, शादी के सिलसिले में। पांचवा नौवां घर हमारे फैसिलिटेटर है, मैरिज के बाराती है, दोस्त है। यदि अब तक शादी भी पांचवा नौवां घर इन्वॉल्व होता मतलब आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी, इसका ये मतलब होता है। यदि एक छह दस के साथ पांच नौ आ रहे हैं मतलब मन उठाव रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संभावना है कि प्यार मोहब्बत से हम लोग इस उलझन को, इस परेशानियों को सुलझा सकें तो अच्छी बात है। अब बचे दो घर, तीसरा घर, चौथा घर, जो कि न्यूट्रल कहलाता है हमारे शादी के संबंध में, शादी के इवेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक कुंडली और हम लोग लगा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ये व्यक्ति, इस जातक का जन्म 4 जनवरी 1987 को हुआ है, जन्म का जो समय है 5:03:30 अर्थात 15:30 शाम के समय, और जो जन्म का स्थान है वो गाजियाबाद, इंडिया, भारत। तो इसकी कुंडली पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसकी कुंडली हम देख सकते हैं, हमने यहाँ एक लग्न की कुंडली बनाया हुआ है, नीचे लवांश भी बनाया हुआ, साथ में हमने नारायण भाव चरित भी कास्ट किया हुआ है। लग्न हम देख रहे हैं, वृषभ लग्न इनकी है। राशि कौन सी होगी दोस्तों, तो राशि हम यहाँ देख सकते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए, तो हम देख सकते हैं कि दोस्तों चंद्रमा हमारे दसवें घर में बैठे हुए, जो 11 नंबर लिखा हुआ, अर्थात कुंभ राशि। कौन सी राशि होगी, कुंभ राशि हो गई। अब हम लोग
चलिए वैदिक ज्योतिष के आधार पर, या वैदिक नहीं कहेंगे इसको, हम लोग भारतीय ज्योतिष के आधार पर हम लोग पहले देखते हैं। यदि हम लोग एक नजर में भी किसी की कुंडली देखें तो हमें क्या बताता है। बहुत सारे दोस्त मेरे, बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, वो मेरे से सीधे अपनी कुंडली भेज देते हैं। आप पूछते हैं कि क्या सर मेरी शादी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो क्या हम लोग सही सही फलादेश दे सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं शादी के लिए, हम लोग देखते हैं सातवां घर लग्न का, सप्तमी को फिर देखते हैं, कारक ग्रह शुक्र को देखते हैं, और साथ में चंद्रमा से भी सप्तम घर को देखा जाता है। जो इसमें से अच्छा है उसके अनुसार फल हम लोग बताते हैं सामने वाले को। या सप्तमेश में देख रहे, सप्तमेश क्या है, सॉरी सप्तम घर क्या बता रहा, सप्तम घर देखिए आठ नंबर लिखा हुआ अर्थात वृश्चिक राशि। सप्तम घर कौन, वृश्चिक। इसके जो स्वामी हो गए वो मंगल होते हैं। हेलो, पहले सप्तमे घर को देखते हैं, सप्तमा घर क्या अच्छा है। हम देख सकते हैं कि सप्तमे घर में शुक्र और शनि की युति बन रही है, एक अच्छा एक खराब। जब भी शुक्र या शनि की युति सप्तमे घर में बनती है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रेम संबंध में ज्यादा रहेगा, या मतलब कि क्या कहते हैं, यौन संबंध इनका ज्यादा रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये यौन संबंध बनाए, लेकिन इसके मन में हमेशा यौन संबंध के बारे में जो कुरूतियां कह गई है वो हमेशा इनके मन में रहेगी। शुक्र और शनि की जब एक साथ बैठते हैं, शुक्र हमारे वीर्य का कारक है, शुक्र हमारे काम इच्छा का कारक है, और शनि उसमें बढ़ाता है, शनि क्या करता है, गलत संबंध बनवाता है। एक जिस तरह से जहां अच्छा है शुक्र बैठा हुआ है सप्तमें घर में, एक तरफ से खराब भी कि शनि भी बैठा हुआ सप्तमें घर में। अब हम देखते हैं कि सप्तमें घर में और भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। पाप ग्रह में कौन सा भी, शनि, राहु, केतु और मंगल। शनि तो खुद बैठे हुए हैं, अब राहु केतु को देख लेते हैं। केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, कहीं केतु की दृष्टि पांचवी सातवीं नवमी होती है। राहु की दृष्टि, राहु की दृष्टि भी देखते हैं नहीं, हाँ राहु की दृष्टि देखिए पड़ रही है सातवें घर में। आप यदि राहु देखिए ग्यारहवें घर में बैठा हुआ है, यहां से ये अपनी नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। दो पाप ग्रह, एक तो लुप्त है सातवें घर में, दूसरे राहु की नजर भी उस पर पड़ रही है, मतलब ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा काम इच्छा के बारे में रहेगा। सामने वाले को पता नहीं चलेगा लेकिन ये इसके अंदर में ये भावना हमेशा बनी रहेगी। मंगल, मंगल देख सकते हैं कि मंगल की दृष्टि यहां नहीं पड़ रही है। अब हम लोग बात करते सप्तमेश, यहां देखिए सप्तमेश भी खराब है। सप्तमेश जाके ग्यारहवें घर में बैठ गया है, ग्यारहवा घर हमारे खराब कहलाते हैं भारतीय ज्योतिष में, साथ में राहु के साथ बैठा हुआ है, सप्तमेश प्रीत हो गया। साथ में देख सकते हैं शनि की क्या दृष्टि पड़ रही सप्तमेश में, नहीं शनि की दृष्टि नहीं पड़ी, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि क्या सप्तमेश पर पड़ रही, हम देख सकते हैं कि और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तमेश पर नहीं पड़ रही है। अब हम लोग कारक ग्रह को देखते हैं, शुक्र को, शुक्र देखिए सप्तमेश घर में बैठा हुआ अच्छा है। आपको किसका स्वामी शुक्र है, लग्न का स्वामी शुक्र है अच्छा है खुद है, और साथ में छठे घर का भी स्वामी शुक्र है। तो एक तरह से देखेंगे तो कारक शुक्र मेरा अच्छा है। अब हम चंद्रमा के सप्तम घर को देखते हैं, चंद्रमा हमारा देखिए दसवें घर में बैठा हुआ, कुंभ राशि में बैठा, वहां से उसका सातवां घर पड़ता है आपको सिंह राशि, चौथा घर, चौथे घर में कौन सी राशि, सिंह राशि है। तो क्या हुआ, और तो सूर्य, सूर्य को फिर देखना है हमको, सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य वो कहां बैठे हुए, वो देख सकते हैं अठवें घर में बैठे हैं, मतलब खराब है। फिर जब हम नवांश में जाते हैं, नवांश में हम लोग कहा गया है कि सप्तमें घर का जो सप्तमेश है नवांश में जाके कहां बैठा हुआ, तो हम नवांश में देख सकते हैं दोस्तों आपको यहां पर नीचे नवांश भी बनाया हुआ हमने,
नवांश में हम देख सकते हैं कि मंगल जाके नवांश में दूसरे घर में सूर्य राशि सिंह राशि में जाके बैठे हुए हैं, तो वो भी दूसरा घर क्या मारक घर घर कहलाता है हमारे भारतीय ज्योतिष दूसरा सातवां घर। तो यहां मंगल जाके वहां भी प्रीत हो गए, लाभ घर में बैठे थे लग्न में लेकिन जाके नवांश में मारक घर में बैठ गए हैं, यहाँ प्रीत। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी जो मैरिज है हो सकता है डिले हो, दिखता है कि सातवें घर में शनि बैठे हुए हैं तो शनि क्या है देरी के कारक है, डिले करवाएगी। सातवें सप्तमेश में जाके नवांश में जाके दूसरे घर मारक घर में ही जाके बैठ गए हैं, अच्छा नहीं है। समय लगेगा शादी में, यदि शादी हो भी जाती है तो वैवाहिक जीवन खराब होगा, लेकिन कब शादी होगा ये हम लोग नहीं बता पाते हैं। क्या हम कह सकते हैं सप्तमे घर में आपको शुक्र है, शुक्र की दशा में हो सकती है, शनि बैठा हो शनि की दशा में हो सकती है, मंगल उसको स्वामी तो मंगल की दशा में हो सकती है आपको, राहु सातवें घर को देख रहा तो राहु की दशा में हो सकती है, चंद्रमा से सप्तम आपको सिंह राशि पर सूर्य की दशा में शादी हो सकती है या चंद्रमा की दशा में शादी हो सकती है। तो कब शादी होगी, खाली बच गए केतु बुध और गुरु। तो हमने यहां पर देखिए इसका बताया हुआ है दोस्तों कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय उनकी राहु की दशा चल रही थी, तो राहु जो बताता है शादी होगा तो गुजर चुका है, गुरु बताता है शादी उसकी दशा में शादी नहीं होगी, गुरु के बाद के शनि शनि भी बता रहा है कि सप्तमे घर में स्वामी शनि भी बता रहा है कि शादी होगी। शनि देखिए कब चल रहे, 2023 में खत्म हो जाएंगे शनि, शनि के बाद कौन बुध आ रहा है तो बुध नहीं बता रहा हमारे भारतीय ज्योतिष में उस शादी को मैरिज को नहीं बता रहा, तो बुध के बाद केतु केतु भी देखिए नहीं बता रहा भारतीय ज्योतिष में, केतु के बाद शुक्र आएंगे, शुक्र देखिए बहुत ही डिले आ रहे हैं 47 के बाद आ रहे हैं। इस व्यक्ति का जन्म 87 में हुआ, 87 और 47 आप जोड़ सकते हैं दोस्तों लगभग 60 साल का अंतर पड़ रहा है, 50 साल का, 50 साल में शादी होने की संभावना है क्योंकि लगातार है, शुक्र भी बता रहा है सूर्य भी बता रहा है आपको, चंद्रमा बता रहा है मंगल बता रहा है, यदि पेशेंस है यदि धन धान से संपन्न है वो 50 साल में शादी कर सकते हो, क्या 50वें साल में शादी भी संभव हो सकती है या उससे पहले होगी, वो हम लोग नारायण भाव चलित से देख सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ नारायण भाव चलित बनाया हुआ आप देख सकते हैं नारायण भाव चलित यहाँ पर। अब इसका हम लोग एक एक ग्रह के बारे में चर्चा यहाँ करते हैं, केतु क्या बताता है, केतु यहाँ बता रहा है 2, 5, 7, 10, 12 किसके नक्षत्र में, चंद्रमा नक्षत्र में क्या बता रहा, चंद्रमा 3, 10 उसके उप स्वामी कौन हो गए सूर्य हो गए तो 4 और 7 बता रहा। यदि हम केतु को देखते हैं तो जो हमारा कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 या 1, 6, 10 तो हम देख सकते हैं कि 2, 7 आपको ग्रह बता रहे हैं और एक खराब है दसवां मतलब ग्रह पॉजिटिव बता रहा शादी का, उसका जो नक्षत्र है 3 और 10 नेगेटिव बता रहा, कोई पॉजिटिव घर नहीं एक नेगेटिव घर है, उसका जो सब लॉर्ड है सूर्य वो पॉजिटिव है। यदि ओवरऑल देखें तो 50-50 का चांस होता है दोस्तों, यदि वही नक्षत्र में यदि 2 या 7 या 11 कोई भी एक घर होते तो हम 100% बोल सकते थे केतु मैरिज के लिए अच्छा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि केतु की दशा आती है तो हमें भुक्ति अच्छी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भुक्ति चाहिए तब शादी होने की संभावना बनती है, यदि स्ट्रॉन्ग भुक्ति नहीं आएगी तो हम केतु के दशा में शादी नहीं हो सकते। अब देखते शुक्र क्या बोल रहा है, वीनस शुक्र खुद तो 1 और 6 बता रहा खराब है, उसका नक्षत्र शनि के नक्षत्र में वो भी 6 और 10 बता रहे, कोई भी अच्छे घर उसमें पॉजिटिव घर नहीं वो भी खराब है, और जो सब लॉर्ड है उप स्वामी वो भी शनि है वो भी 6 और 10 मतलब शुक्र टोटली डिनाई कर रहा है। हम जानते हैं कि शुक्र कारक ग्रह होते हैं, यदि एक भी घर 2, 7, 11 में इसको एक भी घर यदि हमारे शुक्र
में रहते तो शादी होने की संभावना हो सकती थी। यहाँ देखिए पूरे पूरे कॉम्बिनेशन से बन रहे एक छेद तक मैं शुक्र चाह कर भी शादी नहीं करा सकता। शुक्र के बाद आता सूर्य, सूर्य खुद चार और सात बता रहे बढ़िया है, शुक्र के नक्षत्र में है जो एक और छह बता रहे खराब हो गए, और उनका जो उपस्वामी है राहु वो सात आठ दस ग्यारह बारह बता रहे हैं जो आपको बढ़िया। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज, एक छह दस का कॉम्बिनेशन पूरा मिल जा रहा है, दो और सात ग्यारह नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों, या सात ग्यारह नहीं मिल पा रहे, तो इस कारण से सूर्य भी खराब हो गया। उसी प्रकार आपको चंद्रमा देखिए खुद तीन और दस खराब बता रहे, राहु के नक्षत्र में है सात और ग्यारह बढ़िया है, एक घर खराब है दसवां, और खुद उपस्वामी है जो तीन और दस, तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रह से लेकर उपस्वामी तक दस 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 पूरा कॉम्बिनेशन बता रहा, तो यहाँ भी क्या हो गया कि चंद्रमा कमजोर हो गया, खराब तो नहीं करेंगे कमजोर है, चंद्रमा की दशा आती तो हमें अच्छी भुक्ति चाहिए, स्ट्रॉन्ग भुक्ति, एक भी नेगेटिव वर्ष में नहीं होना चाहिए, दो सात ग्यारह का पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब मंगल को देखिए, मंगल भी सात दस बारह फिफ्टी फिफ्टी, शनि के नक्षत्र में खराब है और उसका उपस्वामी शनि वो भी खराब, मंगल भी यहाँ खराब हो गया। राहु देखिए, राहु सात और ग्यारह दो घर अच्छे बता रहे, खराब बता रहे मतलब अच्छा है। मरकरी के नक्षत्र में है अच्छा, मरकरी दो और सात बता रहे, तो दो सात ग्यारह पूरे कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ मिल जा रहा है, और चंद्रमा उपस्वामी जो तीन और दस, दसवां घर देखिए उपस्वामी का जो सब लॉर्ड है वो ग्रह से नहीं मिल पा रहा है, नक्षत्र में भी कोई भी खराब घर होता तो मिल के थोड़ा सा वजन डालता नेगेटिव का, लेकिन यहाँ टूट गया ब्रेक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि राहु बहुत अच्छा है। अभी तक जो अभी छह ग्रह देखे सबसे स्ट्रॉन्ग राहु है, प्लस दो सात ग्यारह पूरे कॉम्बिनेशन राहु में आ रहे, तो राहु भी अच्छा हो गया आपको। उसी प्रकार गुरु है, गुरु फिफ्टी फिफ्टी अपने नक्षत्र में वो भी फिफ्टी फिफ्टी, और जो सब लॉर्ड है मरकरी है बढ़िया, दो सात ग्यारह यहाँ भी मिल जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे, मतलब गुरु भी मेरा शादी करवाने के लिए सक्षम, जहां हम लोग भारतीय ज्योतिष में गुरु बता रहा था कि शादी के लिए नहीं है, नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ देखिए नारायण भाव चरित में चरित कुंडली में गुरु स्ट्रांग हो गया आपको। उसी प्रकार आप शनि देखिए, शनि भी स्ट्रांग देखिए यहाँ हो गया, बाकी सब जगह शनि खराब कर रहे हैं, लेकिन जब शनि की दशा आएगी या शनि किसी भुक्ति में आ गया अंतरा में आएगा, शनि शादी को पॉजिटिव करेगा, यानी शनि खुद खराब है लेकिन जो है बुध के नक्षत्र में बैठे हो तो दो और सात बता रहे, और स्वामी सूर्य है जो सात बता रहे हैं, दो सात सात नक्षत्र और सब लोग स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं मैरिज को। मैंने आपको चौथा जो आपको रूल्स बताया था कि सब लॉर्ड ये स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र ये स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट, इस रूल के आधार पर शनि बढ़िया हो गया। अब हम लोग देखते हैं मरकरी, जहां मरकरी सब जगह बढ़िया कर रहा है लेकिन अपने ही दशा में अपने ही भुक्ति में वो मैरिज को खराब कर रहा है, या आफ्टर मैरिज वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है दोस्तों, खुद दो साथ बता रहा बहुत अच्छा, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में जो एक छह बता रहे और उसका उपस्वामी शुक्र है जो एक छह बता रहे, तो मरकरी भी खराब हो गया। यदि हम नौ ग्रह में से देखें तो केतु अच्छा है शादी के लिए, राहु अच्छा है शादी के लिए, यदि हम किसी भी जातक को बता दे भाई केतु और राहु और शनि अच्छे हैं आपके, वो अपना बाल रोच लेगा क्या, उन्हें तो बचपन से डराया गया है राहु शनि केतु सब खराब होते हैं, जब भी दशा में आते हैं भक्ति में आते हैं अंतरा में आते हैं खराब करते हैं, जीवन को नर्क बना देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है शादी के संबंध में, शादी के इवेंट में राहु केतु शनि ही बढ़िया है, गुरु बढ़िया है, चार ग्रह बढ़िए हैं पांच ग्रह खराब है, तो हम कर सकते हैं कि जब अच्छी दशा आएगी शनि की दशा, गुरु की दशा, आपको राहु की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, तो शादी होने की प्रबल संभावना है। तो हमने यहाँ बिंदोस्त्री दशा लगाया हुआ, राहु उसके बचपन काल में ही खत्म हो जाते हैं, गुरु भी उनके लगभग
जब तक साबिक का मैरिजेबल एज होता है तब तक गुरु की दशा भी खत्म हो जाती है दोस्तों। 87 इसका बर्थ ईयर है। यदि 25 साल हम जोड़ेंगे, जनरली लोग 25 साल में शादी करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 13 इधर हो गया और आपको 2012 के बाद इनका विवाह का योग बनता है या माता पिता विवाह के लिए चिंतित होते हैं। तो 2012 में हम देख सकते हैं शनि की दशा चल रही है दोस्तों, ठीक है। शनि तो बढ़िया है, अब हमें भुक्ति भी देखना है। दशा भुक्ति और अंतरा मिल जाए तो शादी हो जाएगी इसकी। तो शनि में शनि तो जनरली नहीं होता है। शनि के बाद शनि में देखिएगा बुध, बुध यहाँ नेगेटिव बता रहा है दोस्तों। तो संभावना शनि और बुध में भी नहीं हो सकती है, और उसमें उम्र भी नहीं थी, शनि केतु में भी उम्र नहीं थी। जब इनका विवाह का समय या चर्चा विवाह का आया तब तक शुक्र की भुक्ति आ गई। शुक्र यहाँ डिनाय कर रहा है, क्योंकि भुक्ति डिनाय कर रहा था। हम अगली भुक्ति को देखें, अगली भुक्ति कौन सी होगी, सूर्य। सूर्य भी यहाँ डिनाय कर रहा है। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा भी यहाँ देखिए डिनाय कर रहा है मैरिज को। मंगल भी डिनाय कर रहा है। तब राहु की भुक्ति में इनकी शादी हो जाएगी। शुक्र की दशा राहु की भुक्ति, कब आ रहा शुक्र की दशा राहु की भुक्ति, हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। शुक्र मतलब शनि की दशा और राहु की भुक्ति 2018 जनवरी से इनका आ रहा है। तो 2018 जनवरी से इनकी विवाह होने की प्रबल संभावना बन रही थी। क्या है कि शनि राहु, राहु शनि राहु गुरु, शनि राहु बुध, बुध में नहीं होगी, शनि राहु के हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जब शनि और राहु 2018 जनवरी से स्टार्ट हो गई और गुरु की दशा में इनकी जो मैरिज हुई थी 2018 के दिसंबर मंथ में हुई थी। साथ में पिन पॉइंट करने के लिए हमें गोचर भी देखना होता है, तो हम परफेक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं। यदि हमारा जितना 9 में से जितने ग्रह भी पॉजिटिव है, यदि वो दूसरे घर, सातवें घर या 11वें घर में एक साथ कंजंक्ट हो, या शनि दूसरे घर में बैठा हो, राहु आपको 7वें घर में बैठा हो, गुरु आपको 11वें घर में बैठा हो, तब शादी हो जाएगी। और या एक दूसरे को देख रहे हो, उस घर को देख रहे हो, कहीं से बैठ के भी तो दूसरे 7वें 11वें को देखते भी हो तो भी शादी हो जाएगी। साथ में कोई भी दो ग्रह की डिग्री 1 डिग्री के डिफरेंस में आ जाती है तो मैरिज हो जाती है। इसी प्रकार आप लोग भी अपनी कुंडली में जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष और नारी ज्योतिष में यही अंतर है। भारतीय ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है, समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, उसमें हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, परफेक्ट टाइमिंग नहीं बता पाते हैं। जब हम लोग घर को देखते हैं, घर के स्वामी को देखते हैं, उसके कारक ग्रह को देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं, तो हमारे 9 में से बहुत सारे ग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं उस इवेंट को करने के लिए। कुछ ग्रह होते हैं जो हमारे उम्र पहले पार हो जाते हैं, कुछ ग्रह होते हैं जो हमारे अंतिम समय में आते हैं, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन नारी एस्ट्रोलॉजी में आप परफेक्ट बता सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।